हमीरपुर विधानसभा सीट से भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपने प्रचार में तेजी ला दी है, जहां भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर हमीरपुर जिला में केंद्र सरकार के 3.5 सालों में करवाए गए कार्यों पर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप सिंह पठानिया केंद्र सरकार की गलत नीतियों और प्रदेश सरकार के विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं निर्दलीय कमल पठानिया इन दोनों ही पार्टियों को जनता से छलावा करने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बोणी व गसोता ग्राम केंद्रों के बूथ में आयोजित सभाओं में प्रचार करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर ने प्रदेश सरकार व पूर्व में यूपीए सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार व घोटालों को जनता के बीच रखा। ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगाई है और पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास के अनेकों योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे आने वाले समय में हमीरपुर प्रदेश में हर क्षेत्र में नंबर 1 बनकर रहेगा। ये फैसला आपने करना है। सरकार ईमानदार चाहिए, ये भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए। आज भी हिंदुस्तान दुनिया का सबसे भ्रष्ट कंट्री है। हमारी सोच बदल दी है, जहां तक विकास की बात है, भ्रष्टाचार को पूरा खत्म करने पूरी ताकत, और जो हमें 3.5 साल में हमीरपुर के लिए मिला, हमीरपुर के रेलवे लाइन मंजूर हो गई 250 करोड़ रुपए की। अगले साल से हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की क्लासें शुरू हो जाएंगी और अभी हाल ही में बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल 1000 बेड हॉस्पिटल है एम्स में, मोदी जी शिलान्यास करके गए, बड़ी बात है। जब हमीरपुर में रेलवे लाइन आ जाएगी, मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, तो हमारा हमीरपुर वैसे भी एजुकेशन का हब है और चीजें मिलने से ये हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 टाउन जो आज हमीरपुर हमारा बना है, और ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप पठानिया अपने प्रचार में केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर विफल करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की गलत नीतियों से आम जनता परेशान हो रही है और प्रदेश सरकार के विकास को देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में लहर है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। जो केंद्र की सरकार जो फेलियर है उसके साथ जा रहे हैं, जिस तरह नोटबंदी के साथ GST के साथ जो लोगों के और व्यापारियों के साथ जो कुठाराघात किया है, नोटबंदी के साथ आम गरीब आदमी लाइन में लग के ATM के बाहर बैठ खड़ा होकर परेशान हो रहा है। आप 4 बार अपना पैसा ATM से 1 महीने में निकाल सकते हैं, अगर 5 बार निकालेंगे तो आपको 150 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं लोगों को छू रही हैं और लोगों में इन ऐसे नियमों से जो है वो रोष है, और इसलिए वो कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। मैं 100% आश्वस्त हूँ। वहीं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से बागी हुए युवा नेता कमल पठानिया ने भी चुनावों में आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला संयोजक और कांग्रेस में कई अहम औहदों पर सेवाएं दे चुके कमल पठानिया ने अपनी जीत का दावा किया। आजाद प्रत्याशी कमल पठानिया ने कहा कि BJP और कांग्रेस दोनों ही दलों से हमीरपुर की जनता दुखी है, इसलिए इस बार विकल्प के तौर पर वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करना ही उनका ध्येय है, इसलिए जनता से उनका अपार समर्थन उन्हें मिलने की उम्मीद है। कि जिस तरह से मैंने अपना काम किया है, हम दिखावा नहीं करेंगे। हम जिस तरह से मैं अपनी जो 35-37 पंचायतें हमारी विधानसभा क्षेत्र में, उनमें चप्पा चप्पा घूमा मैंने, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोनों पार्टियों से दुखी हैं। वो ना कि भाजपा के जो उम्मीदवार खड़े उनको चाहते हैं, ना ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको चाहते हैं। लोगों की सोच है इस बार की, इस बार विधानसभा हमीरपुर से जो हमने एक नया चेहरा लेके आना है, जो कि क्षेत्र के लिए काम करे, हमारी बात सुने और विकास के मुद्दों को आगे सरकार तक पहुंचाए।